गुरु हो गया पूरा काफी समय जो लगे हुआ है उनको चस्का लग गया है। वोट नहीं रहे तो कोई वोट नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो महाभारत छिड़ा है और जो व्याकुल और बुरी तरह से परेशान है भाजपा, इस बात का साफ संकेत है कि भाजपा का विदाई हो रहा है। जाट बहुल इलाका उत्तर प्रदेश और हरियाणा है और आज उनके दरवाजा पर जा रहे हैं। किस तरह से जाटों की पिटाई, अपमानित किया गया, आतंकवादी कहा गया, जेल में लोग भेजे गए, घसीटे गए। तो ये बात लोग भूले नहीं है। जाट कम्युनिटी हरियाणा उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा असर रखता है सरकार बनाने। और भाजपा सरकार बिल्कुल पिछड़े वर्गों का आरक्षण समाप्त कर दिया और धीरे धीरे समाप्त करते जा रहा है। देश 70 साल पहले अंग्रेज ब्रिटिश चला गया, सरकार ब्रिटिश आ गए थे, सब बारे पुरुषों ने ब्रिटिश को भगाया था और वो समाप्त हुआ। लेकिन अब 70 साल के बाद नया अंग्रेज ये सब आ गया है भाजपा के रूप में जी, जो दंगा फसाद करना चाहता है देश से माफ नहीं करे। हम अपील करते हैं वोटरों से, सभी लोगों से, खास करके जाट बिरादरी से और वहाँ पिछड़े वर्गों के जो लोग हैं पूरी तरह से भाजपा को पराजित करें। कल से चुनाव का शुभारम्भ हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कर्नाटक में एक लड़की जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया, आपको लगता है कि ये सब कुछ चुनाव, ये चुनाव की बात नहीं है, ये बात समझिए देश सिविलवार मोदी जी के सरकार सिविलवार और सिविलवार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी, कोई चुनाव लेकर के नहीं। वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लोग, मुजफ्फरनगर तफराना राम निर्भर करता रहता। तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा? हाँ, ये सब बताता है संकेत। देश में इतनी गरीबी है, महंगी है, सरकारी है, परेशानी है, उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है, चाहे पीएम का भाषण हो या किसी का हो। सिर्फ अयोध्या और वाराणसी मथुरा काशी यही समय जो लगे हुए हैं उनको चस्का लग गया है कि सरकार से हिंदू वोट मिलेगा, हिंदू लोग भी कोई वोट नहीं देने जा रहा। बीजेपी तो ये कह रही है कि यूपी में इस बार 300 पार होगा तो और जगह भी तो बोल रहे थे जाकर कलकत्ता में, यही अमित शाह बोले थे ना, पार कर रहे थे, अभी चले गए अपने। सर बिहार में भी लगता है कि एनडीए में सब कंफर्टेबल है, जाएंगे बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बिहार पर, बनाने की कोई कोशिश चल रही है। अरे अभी तो चुनाव है तो 3rd पॉइंट बनाने का होगा। लालू जी बिहार में भी जाएंगे चुनाव प्रचार करने, आप तबियत ठीक नहीं ना, हम जाएंगे तो झंझट हो जाएगा, एक भी दिन नहीं जाएंगे। ये चीज देखा जा रहा है बिहार में, एक चीज देखा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या लगता है आपको क्या वजह हो सकती है और क्या कोई नई परिवर्तन होने वाली है? मैं अभी तो आया हूँ दिल्ली से, पूरा अध्ययन मैं नहीं किया हूँ, लेकिन ये तो नीतीश कुमार जहाँ गए हैं तो उनका तो लक्षण ही रहा, सत्ता के लिए सब जगह नीतीश दौड़ते रहे हैं। तो छेदी पासवान ने जो बयान दिया, दाऊद वाला बात बोला, वो बात नहीं बोलना चाहिए। बाकी तो सब लोग जानता है नीतीश कुमार कहाँ जाते हैं। आप कोई संभावना देख रहे हैं कि राजद के साथ जेडीयू कोई सरकार बना सके? यहाँ पर भी कुछ देखने को मिलेगा, उसका असर बिहार में भी हो सकता है। अब होगा तो देखा जाएगा, या तो हम देख लेंगे। पहले सब क्या बोला, सरकार कितने दिन चलेगी? और सरकार वो तो आप जानते हो, रहते हैं रोज आजकल यही है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कल होने वाली है, तो इसमें आप लोग का मूल एजेंडा क्या है, इसके जरिए आप क्या? राष्ट्रीय एजेंडा जो है हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है पार्टी का, सब पार्टी के संविधान के अनुसार जो टेन्योर होता है अध्यक्ष का, उसके पहले ही चुनाव करा दिया जाता है। चुनाव बिल्कुल जनतांत्रिक तरीका से होता है और जो कल एजेंडा तय होगा कि कौन कौन सा रिजोल्यूशन हमको लेना है, आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, और उसके बाद से फरवरी महीना में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। बिहार एनडीए कुछ नेता आपको आदर्श बता रहे हैं, बिहार एनडीए कुछ नेता कह रहे हैं कि लालू यादव हमारे आदर्श हैं। सब चेले ही है, ये गुरु हो गया।